नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में जिस टर्म की चर्चा करेंगे वो टर्म है मीडिया सैचुरेटेड कल्चर, और ये हमारा मीडिया डिक्शनरी का टर्म नंबर 143 है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सैचुरेशन क्या होता है। तो सैचुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज से सराबोर होना या फिर किसी भी चीज से गले गले तक भरे रहना, मतलब अब उसके बाद कोई और गुंजाइश नहीं बचती है किसी भी चीज को एब्जॉर्व करने की। और अगर मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में सैचुरेशन को देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ज्यादा मीडिया कंटेंट को कंज्यूम कर लेना, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाना कि अब उसके बाद कोई और स्कोप नहीं बचता, उसके बाद कोई और जगह नहीं है। अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई तो फिर कहीं ना कहीं जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो यही एक तरीके का मीडिया सैचुरेशन है। और सैचुरेशन वो स्थिति होती है जब कोई जगह या फिर कोई चीज पूरी तरीके से भरी हुई हो। सपोज अगर आप लिफ्ट में जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोगों को आप चढ़ाते हैं, उससे ज्यादा लोगों को अगर आप एंटर कराते हैं तो क्या होगा, लिफ्ट चलेगी नहीं, राइट। उसी तरीके से हमारी माइंड की भी एक कैपेसिटी है किसी भी चीज को कंज्यूम करने की। उससे ज्यादा अगर आप उस पर लोड डालेंगे, उससे ज्यादा उसे ओवरबर्डन करेंगे तो दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो चलिए आप जानते हैं कि आखिर ये मीडिया सैचुरेशन कल्चर जो है वो है क्या। तो जिस तरीके से आज मीडिया का पेनिट्रेशन हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है, मीडिया की दखलंदाजी हमारी जिंदगी में बढ़ रही है, मीडिया जिस तरीके से हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता चला जा रहा है, उसे देखते हुए मार्केट जो है उसकी पैनी नज़र मीडिया पर है। और जो ये मार्केट है वो मीडिया को चलाता है, यानी मीडिया किस तरीके से काम करे उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो मार्केट का है। और मार्केट तो ये चाहेगा ही कि मीडिया उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, लोग उनको कंज्यूम करें और बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया सैचुरेटेड जो कल्चर है वो किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, पता नहीं आपने ये नोटिस किया कि नहीं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, एक छोटी सी डायरी बनाइए या फिर अगर कॉपी वगैरह जहां भी आप लिखना चाहें, आप रोज कितना मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। अगर हम मीडिया कंजम्पशन की बात करें तो जैसे कितनी देर टेलीविजन देखा, कितनी देर मोबाइल पर गपशप की, बातें की, कुछ ऑफिशियल पर्पस भी हो सकता है, ये सारी चीजें, कितनी देर तक आपने, अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग का शौक है तो गेम खेला, कितनी देर तक वीडियो चैटिंग की, टेक्स्टिंग की, या फिर कोई मूवी वगैरह देखी, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, तो जिस तरीके से या जितने भी फॉर्म्स में आप मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं उसका पूरा चार्ट बनाइए। और फिर दो तीन दिन का एटलीस्ट कम से कम ये देखें आप, और देखें कि आप दिन भर में कितना मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मीडिया का इनटेक जो है वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है, राइट। मीडिया सैचुरेटेड कल्चर पर बात इसलिए भी करना चाह रही थी क्योंकि आज हम ना बहुत ही प्लगइंड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। प्लगइंड इन्वायरमेंट मतलब चाहे हमारा मोबाइल फोन हो उसे भी प्लग करने की जरूरत पड़ती है जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, हमारा म्यूजिक सिस्टम है, मतलब ये जो सारे डिजिटल डिवाइसेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं ये कहीं ना कहीं एक प्लगइंड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और इस प्लग इन इन्वायरमेंट में हम इतने ज्यादा रहने के आदि हो जाते हैं, जैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ, बल्कि इनफैक्ट मेरा ये सवाल है आपसे कि मुझे ये बताइए कि कितना वक्त हो गया है आपको कभी भी यूं ही बेवजह कहीं जाके चुपचाप बैठने की और पंछियों की जो कलरव की आवाजें हैं उसे सुने हुए, या नदियों की जो कलकल छलछल की जो ध्वनि होती है उसे सुने हुए, ऐसे ही आसमान को निहारते हुए, जो हवा है उसे महसूस किए हुए, ठीक है, ये सारी चीजें आजकल कहीं ना कहीं SFXs, मतलब एक तरीके से जो आर्टिफिशियल साउंड है उसके जरिए हम टेलीविजन में देख लेते हैं, मूवीज में देख लेते हैं और हम उनको इमेजिन करते हैं, पर असल में आपने अपनी जिंदगी में कितने लंबे वक्त से इन सारी चीजों को महसूस नहीं किया है।
तो आपसे आग्रह है कि इस तरीके से जैसे जैसे मीडिया का पेनिट्रेशन हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है, हम रियल लाइफ में लोगों से डिसकनेक्टेड हो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है वहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो प्लीज़ एक आग्रह, एक गुजारिश कि यूं ही कभी किसी के साथ बेवजह बैठें, बातें करें, और ये जो आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं इन्हें कुछ वक्त के लिए दूर रख दें। और इनफैक्ट डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत शायद हम सब लोगों की है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इनके बीच रहेंगे तो एक समय के बाद आप बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, टेक्नो स्ट्रेस भी इससे बढ़ता है। और मेरे साथियों, यही है मीडिया सैचुरेटेड कल्चर। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर गंभीरता से सोचेंगे और देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से आज हम एक मीडिएटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, और जहां पर हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो मीडिया टेक्नोलॉजीज के द्वारा कंट्रोल हो रही है। मतलब हम इनके बगैर शायद अब अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा हम इस मीडिएटेड कल्चर पर डिपेंड होते जा रहे हैं। और ये हमारी सोच, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे जो त्यौहार, हमारा कल्चर, हर चीज़ पर असर मीडिया डाल रहा है। तो प्लीज़ इसे गंभीरता से सोचिएगा। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए मीडिया डिक्शनरी टर्म के साथ आपके लिए। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव का ये प्रयास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और हमारे चैनल मीडिया डिक्शनरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।